नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक साल के दौरान की गई विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में जानकारी देते हुए सीएससी विकास पांडे ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों को रोकने के लिए कई कार्य किए गए हैं। सीएसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के जरिए विकास पांडे ने बताया कि कोतवाली सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई है। अवैध नशे को रोकने, वारटी को गिरफ्तार करने, चोरियों सहित विभिन्न अपराधों का खुलासा करने के साथ कई अन्य वारदातों के खुलासे की भी जानकारी दी गई। इस दौरान दोनों थाना टीआई भी मौजूद रहे। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। आज वर्ष के अंत में, जो आज वर्ष का अंतिम दिन है, जो पिछले एक वर्षों में पुलिस की उपलब्धियां रही हैं, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी, इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी में देना था। इसके संदर्भ में आज सभी को यहां पे बुलाया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष पुलिस ने जो शहर में चोरियां हुई थी, उन चोरियों में बहुत अच्छी कार्रवाई की और लगभग 27 लाख का मशरूका पुलिस ने पिछले साल बरामद किया था। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ की नाबालिग लड़कियाँ चली गई थी, उसमें भी पुलिस को सफलता मिली है और 38 नाबालिग लड़कियों को पुलिस वापस दस्तयाब करके लेके आई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ की स्थायी वारंटी है, उसकी तामीली में पुलिस ने विशेष काम किया और लगभग 54 स्थायी वारंटी पुलिस ने तामील कराए हैं। और साथ ही साथ जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, इसको लेके भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। एक विशेष रूप से आपका सिविल लाइन क्षेत्र में मिर्ज़ापुर पे एक मॉडल के रूप में एक मोटरसाइकिल को रखा गया है, जिससे जो लोग वहाँ से चलते हैं, शराब पी के चलते हैं या तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको ये संदेश रहे कि अगर वो इस तरीके से गाड़ियाँ चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ एक गवर्नमेंट की स्कीम है गुड सेमेटेरियन, इसके बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर घायल होता है तो घायल व्यक्ति की मदद के लिए कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको शासन के द्वारा 5,000 रुपये तक का इनाम दिया जाता है। और साथ ही साथ जो 3 लोग हैं, इनको 1,00,000 तक के नाम केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो सभी लोगों से आग्रह है कि अगर कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनकी मदद के लिए आगे लाएं। पुलिस कभी नहीं पूछेगी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, क्यों हुआ, क्या हुआ। आप सिर्फ उस व्यक्ति की गोल्डन आवर में जान बचाने में मदद करें, ये सभी लोगों से अपेक्षा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से शहर में नशे का कारोबार बढ़ रहा था, इसको भी नशेड़ियों की और जो अवैध कारोबारियों की भी कमर तोड़ने में पुलिस को सफलता मिली थी। और पुलिस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे जो दूसरे राज्यों के भी आरोपी हैं, उनको भी पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली और लगभग 600 लीटर शराब पुलिस ने जब्त की थी और उनको जेल भी भिजवा कार्रवाई की है और जिला बदर की कार्रवाई भी की है ताकि लोग अमन चैन से रह सकें। साथ ही साथ लोगों से नव वर्ष में ये अपील है कि वह नशे के सेवन से दूर रहें और कहीं भी अगर अवैध नशे की गतिविधियां हो रही हैं, अवैध शराब बिक रही है, अवैध गांजा बिक रहा है या ब्राउन शुगर या पाउडर बिक रहा है, तो लोगों से ये अपील की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि पुलिस को सूचना दें ताकि उन लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। की खबरें, इसमें पुलिस के द्वारा सट्टे पे भी कार्रवाई की गई है और दो जो सटोरी थे उनकी जिला बदर की भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और आगामी वर्ष भी इन लोग ऐसे लोगों पे जो अवैध तरीके से कोई भी खेल खिलाते हैं या जुआ खिलाते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। 2022 समाप्त हुआ है, 2023 का शुभारंभ कल से हो जाएगा, तो अपन क्या नया करेंगे, किस तरीके से नया प्लान, अपन ने गाइडलाइन तैयार की, कुछ नया अपन करेंगे, किस तरीके से अपन एक नए वर्ष में पुलिस का यह प्रयास रहेगा कि जो पब्लिक और पुलिस के बीच की दूरी है, इसको कम किया जाए। तो हम अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग समय पे पुलिस की टीम जाएगी, लोगों के साथ बैठक करेगी ताकि उनके मोहल्ले की समस्या है उसको पुलिस सुन सके, समझ सके और उसका निदान कर सके। साथ ही साथ अलग अलग बीट क्षेत्र में पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर्स भी दिए जाएंगे, जिससे लोगों को अगर कोई समस्या हो तो त्वरित रूप से पुलिस को संपर्क करके पुलिस को सूचना दे सकें।